सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे हम एक बार फिर से देखेंगे उत्तराखंड में लेटेस्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो भर्तियाँ निकली है, उन भर्तियों के बारे में हम यहाँ पे अपडेट देखेंगे। यानी कि संविदा के आधार पे कुछ भर्तियाँ यहाँ पे उत्तराखंड में लगातार निकलती है आउटसोर्सेस बेसिस पे। तो इस भर्ती के बारे में हम देख लेंगे और जान लेंगे कहाँ पर ये भर्तियाँ निकली और किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो भर्ती निकली है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीआर भवन रोशनाबाद हरिद्वार में निकली हुई है, ठीक है। तो ये संविदा के आधार पे ये भर्ती निकली है। सबसे पहले पद देखें, यहाँ पे जो पद है डिप्टी चीफ लीगल एयर डिफेंस काउंसल, यहाँ पे जो है दो पद इनके निकले हैं। 50,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे सैलरी है। क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, एक्सलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, एक्सलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, स्किल इन लीगल रिसर्च थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल, एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड इफेंसिव विद अदर्स, मस्ट हैव हैंडल एट 20 क्रिमिनल ट्रायल इन सेशनल कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है। आईटी नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेंसी इन वर्क एनी अदर वर्क असाइन बाई लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो बेसिकली ये उनके लिए हैं जो ऑलरेडी जो है जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है। क्रिमिनल लॉ के लिए जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्रिमिनल लॉ में 7 ईयर्स का यहाँ पर प्रैक्टिस का ये मांगा हुआ है, और एटलीस्ट जो है मिनिमम जो है 20 क्रिमिनल ट्रायल सेशन कोड के जो है केसेस इन्होंने हैंडल किए होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पद यहाँ पे असिस्टेंट लीगल एयर डिफेंस काउंसिल है, इसमें 30,000 रुपये प्रतिमाह है, एक पद है। इसमें देखो 1 से 3 साल का क्रिमिनल लॉ का प्रैक्टिस मांगा गया है, गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल मांगा है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली विद अदर्स, एक्सलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल्स यहाँ पे मांगा गया है, आरटी नॉलेज मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पद यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का है या क्लर्क का है, इसमें 20,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। दो पद यहाँ पे निकले हैं। यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इसके लिए। बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड अदर एंड द एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर, यानी कि आपको जो है कंप्यूटर ऑपरेट आना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। डिक्टेशन एंड एंटरिंग डाटा, एडिक्टेशन और एंटरिंग डाटा ये आपका आना चाहिए। मेंटेनेंस जो फाइल का मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज भी आपको होना चाहिए। अगला पद यहाँ पे देखो रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसका एक पद है। इसमें भी 20,000 रुपये पर माह सैलरी है। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है और इसके अलावा एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल मांगा गया है। यहाँ पे देखिए आपके पास में जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स होता है, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड्स एक्सेट्रा में वर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए। गुड टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगला पद यहाँ पे ऑफिस पियोन का है, जिसमें कि 12,000 रुपये पर माह सैलरी है। इसमें देखिए मिनिमम हाई स्कूल यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे देखो वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा आपका, क्लीनिंग द ऑफिस, आपको ऑफिस को जो है क्लीन करना है, ठीक है। यानी ऑफिस खुलने से पहले और ऑफिस जब बंद होगा उस टाइम पे आपको ऑफिस को क्लीन करना है। उसके अलावा जो है जो ऑफिस की जो चीज़ें हैं जो जहाँ पे हैं उनको वहाँ पे जो है इनसिक्योर करना और उसको क्लीन रखना है, ठीक है। बाकी ये जो है फाइल्स वगैरह का काम या कुछ और भी जो काम होगा वो यहाँ पे आपको करना है। तो देखिए अब इंटरेस्टेड कैंडिडेटों को किस तरीके से आवेदन करना है, तो इसमें 25 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना है और एक लिफाफे के साथ उसको कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार में जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे 20 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आपको वो भेजना है, ठीक है। लास्ट डेट 20 अगस्त शाम 5 बजे तक की है इसमें, ठीक है। और इसकी देखो यहाँ पे संपूर्ण सूचना या शर्तें आवेदन के प्रारूप जनपद न्यायालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जिससे डाउनलोड किया जाता है आवेदन कभी भी जो है। इसके अलावा आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 10 से 5 बजे तक इनके कार्यालय ऑफिस से भी जो है ले सकते हैं, या फ़ोन नंबर से भी आप जो है, या इस ईमेल के माध्यम से भी आप जो है क्या कर सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो फिलहाल आपको करना क्या होगा कि अभी क्योंकि अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें फिलहाल यहाँ पे जो है इन्होंने अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोफॉर्मा तो दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म यानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसकी वेबसाइट पे आ जाएं तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ना ही इन्होंने देखो यहाँ पे नोटिस में जाते हैं हम,
रिक्रूटमेंट सेक्शंस पे, तो यहाँ पे फिलहाल इन्होंने अभी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया नहीं है। जब ये एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे दे देंगे तो मैं यहाँ पे उसको, हालांकि इसकी लास्ट डेट भी पास में ही है, आज कितनी तारीख हुई, 7 तारीख, तो 20 तारीख इसमें सबमिट करने की लास्ट डेट है। उससे पहले अगर फॉर्म यहाँ पे मिल जाता ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा और उसे भर के फिर आप उसमें जो एड्रेस है उस एड्रेस पर आप उसको भेज देना।